जाने नहीं ये दर्द मेरा, या जान के भी अनजाने हो। एक पल ये लगे अपने हो तुम, एक पल ये लगे बेगाने हो तुम। कौन पिया तुम, कौन पिया मेरी माँ? तुझे कहाँ छोड़कर चली गई मेरी माँ, अब मैं तुझे कहाँ ढूंढूंगा। हद होती है बेशर्मी की। अरे इतनी तो शर्म करो कि तुम्हारी मरहुमा माँ का कफन अभी मैला भी नहीं हुआ और तुम अपने भाई और भाभी को उनको घर से निकालने की बात कर रहे हो। मैं यहाँ तयशुदा सौदे के मुताबिक आया हूँ, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मेरे भाई की गैर मौजूदगी में आकर मेरी भाभी के साथ बेहुदा बातें करते हो, बस बंद करो। आप जानती है ना कि ये घर वकार चाचा के हवाले से मेरे लिए बहुत अहम है, इसलिए आज से ये घर आपके और जरबाब के हवाले। देखो जरबाब, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रही हूँ और ना ही मुझे कोई शौक है बदनामियां मोल लेने का, वो भी एक शादीशुदा आदमी के पीछे। मैंने तुमसे जो कहा है उस पर गौर करना, गुड बाय। अच्छा बेरिया, बात तो सुनो। क्या बात है, जब से हम रेस्टोरेंट से वापस आए तुम जरा ऑफ से हो गए। खाने में ऐसा क्या था? नहीं नहीं, खाने में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी थोड़ी सी थकन फील कर रहा था। सॉरी, अपनी एक्साइटमेंट में मैं तुम्हें बाहर लेके आई, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। सो ओके, ऐसे भी कोई थकन नहीं है मुझे, तो हुजूर में गिल्टी फील ना करो। चलो आप मुझे घर ड्रॉप कर लो, फिर जितना दिल चाहे रेस्ट कर लेना। हेलो, अच्छा मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। किसका फ़ोन था? नया का था, उसे कहीं से पिक करना है, तो मैं ड्रॉप ही कर लूँगा, डोंट वरी। अपिया, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पे रुकूँ और हम तीनों बहनें बैठकर उन दिनों को याद करें जब बाबा हमारे साथ थे। कितने अच्छे दिन थे, कितने खूबसूरत। तो फिर रुक जाओ ना, इसमें मुश्किल क्या है, अब तो कोई मसला भी नहीं है, तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए। अब मैं भी तुम्हें नहीं जाने दूंगी, कितने दिनों बाद हम तीनों बहनें इस तरह मिलकर बैठे हैं और तुमने रामेश भाई को फ़ोन कर दिया कि वो तुम्हें आकर ले जाए। क्यों, आपके का घर होने के बावजूद भी तुम वहाँ क्यों रहोगी? सीमा, तुम क्या समझती हो, क्या मेरा दिल नहीं ललचाता होगा तुम दोनों के साथ वक्त गुजारने का? मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। अंकल और आंटी मेरे ऊपर डिपेंड करने लगे, नौकरों के हाथ से पानी तक नहीं पीते। रामेश भाई जल्दी आए देर से आए कोई परवाह नहीं। अब यह बात सिर्फ इतनी है कि पहले मुझे उनकी ज़रूरत थी और अब उन्हें मेरी ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, तुम ज़रूर जाओ। रामेश के हम लोगों पे इतने सारे एहसानात हैं, हम जो भी करें वो कम है। सीमा, तुम तो मेरे साथ ही रुकोगी ना? अबिया, मेरे ससुराल में शादी है इसलिए मेरा वहाँ जाना ज़रूरी होगा। I'm sorry, मुझे आने में कुछ देर हो गई। कोई बात नहीं रामेश भाई, हम लोग खुद बातों में इतने मगन थे कि वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। आप बैठे, चाय बना कर लाती हूँ मैं। नहीं, चाय मैं सीमा के हाथ की पीऊँगा, काफ़ी दिन हो गए अपनी खिदमत कराए वैसे। जी, अभी लेकर आती हूँ। तुम भी जाओ, बहन का हाथ बटाओ, अकेली चाय बनाएगी वो। जी। जरबाब घर नहीं लौटे अभी तक? वो अक्सर लेट आते हैं। वजह? आपने कभी रीजन पूछी उनसे लेट आने की? क्या मुझे वजह पूछनी चाहिए? बिल्कुल पूछना चाहिए, इसलिए कि आपका हक है। मैं जानता हूँ आप उन लोगों में से हैं जो अपना हक दूसरों को खुशी खुशी दे देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें दूसरों को नहीं देते। मुझे वो हक मांगने में शर्म महसूस होती है जो दूसरा बंदा एहसान समझ कर देता है। जानता हूँ मैं, लेकिन इल्मा आप अकेली नहीं है, आपका एक मासूम बच्चा आपके साथ है जो आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है। यही वक्त है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं, नहीं तो कल आपकी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं होगा।
मुझे लगता है कोई बात है जो आपको बेचैन कर रही है। ऐसा ही है। अलमा आपके शौहर किसी और खातून में इन्वॉल्व है। मुझे बात बहुत पहले किसी ने बताई थी लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे यकीन था कि उनकी ज़िंदगी में अगर आप जैसी मुकम्मल और प्यार करने वाली औरत है तो वो किसी और की तरफ मुतवज्जो क्यों होंगे। लेकिन इवेंचुअली मुझे यकीन करना पड़ा। मैंने खुद अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट कराया और वो सारी बातें सही निकली। आज तो मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। आई एम सॉरी, मैं जानता हूं मैं आपको एक नए दुख से दोचार कर रहा हूं लेकिन आपकी भलाई के लिए यही जरूरी है। उस औरत का नाम हूरिया है, मैं जानती हूं। वो हमारे पुराने मोहल्ले में रहती है। सरबाप और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे लेकिन उनकी वालदा ने उनकी मर्जी जाने बगैर उनकी शादी मुझसे कर दी। दोनों आज भी अपनी पुरानी मोहब्बत के खातिर एक दूसरे से मिलते हैं। और आप ये सब कुछ जानते बूझते हुए अनजान बन रही हैं। मुझे क्या करना चाहिए? अलमा, फॉर गॉड सेक, आपकी ज़िंदगी, आपका घर, आपकी गृहस्थी, ये सब कुछ मजाक नहीं है। शादी के बाद इंसान की ज़िंदगी और उसकी हर चीज़, उसके सारे मामलात ही अक्सर बदल जाते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? मुझे खुद को गिरा कर किसी की तवज्जो, किसी का वक्त, किसी की मोहब्बत मांगना नहीं आता। ये किसी की मोहब्बत, किसी की तवज्जो, किसी का वक्त, ये सब कुछ आपका है, आपका हक है इस पर, इसलिए कि वो किसी सर से पाँव तक आपका है। आई डोंट यू अंडरस्टैंड? आप अपना हक ना मांग के अपने आप को गिरा रही हैं, डिग्रेड कर रही हैं अपने आप को। तो मुझे क्या करना चाहिए? एहतजाज, पहले कम कम और फिर ज्यादा। एहतजाज? उससे कुछ होगा? जरूर होगा। अरमा प्लीज, आप अपने आप को अकेला मत समझें। आप तन्हा नहीं हैं। आपकी हर परेशानी, हर उलझन में मैं आपके साथ हूं। नेहा और सीमा काफी देर तक आपका इंतजार करती रहीं। रामेश साहब भी बगैर आपसे मिले ही चले गए। हाँ, बस आज कुछ देर हो गई। इस देर का नाम कुछ और तो नहीं? क्या मतलब? मतलब कि कोई नाम, सादिया, फारिया या जवेरिया? क्या फजूल बातें कर रही हो? इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा ना हो उसे इस किस्म के मजाक नहीं करने चाहिए। ये बात आपके लिए मजाक होगी लेकिन मेरे लिए संजीदा मौजू है, और अगर आप इस बारे में मुझसे संजीदगी से बात नहीं करेंगे तो शायद मैं बहुत कुछ खो दूंगी। क्या मतलब है इस बात का? क्या खो देने का डर है तुम्हें? हमारा रिश्ता, मेरा यकीन। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? ये कौन ब्रेन वॉश करके गया तुम्हारा? किसकी जुबान बोल रही हो तुम? वो जो कोई भी, उसने हमेशा हमारे साथ भला ही किया, हमेशा हमारे साथ नेकी और अच्छाई ही की है। हम लोग उसके मखलूज हैं। अगर किसी ने वक्ती नेकी कर दी है ना तो उसको ये राइट नहीं मिलता कि वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करे। रामेश साहब भले आदमी होंगे लेकिन मेरे और तुम्हारे जाती मामलात में बोलने की ना तो उन्हें इजाजत है और ना जरूरत। उन्होंने जो कुछ भी कहा झूठ तो नहीं कहा, इल्जाम तो नहीं लगाया आप पर, वही कहा जो सच था। और मैं झूठ बोल रहा हूँ तुमसे? मैं बेवफाई कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? एक बात याद रखो इल्मा, अगर मैंने तुमसे बेवफाई करनी होती ना तो बहुत पहले कर चुका होता। मेरे साथ नहीं तो किसी और के साथ कर रहे होंगे? हम दोनों में से किसी एक के साथ ही वफा निभा सकते हैं ना आप? तुम मुझ पर शक कर रही हो? क्या मुझे नहीं करना चाहिए?
सब कुछ देखते सुनते जानते बूझते क्या मुझे शक व शुबात का शिकार नहीं होना चाहिए? क्या मैंने कभी तुम पर शक किया है? तुमसे कोई इन्वेस्टिगेशन किया? कोई जवाब मांगा? किस बात का जवाब? आरिफ ने जो इल्जाम तुम पर लगाए उनमें कितनी सदाकत है? माजी में तुम दोनों का क्या ताल्लुक था और इन करम नवाजियों की क्या वजह है? सर बाप, क्यों बहुत बुरा लग रहा है ना? तुम मुझ पर और जवेरिया पर तो बड़े आराम से शक कर दिए। क्या मैं तुम पर और रामेश पर शक नहीं कर सकता? एक बात याद रखना, तुम्हें कीचड़ पर पत्थर मारने से पहले अपने दामन को देखना चाहिए। चाय के मुताबिक क्या ख्याल है आपका? गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो दुआएं दूंगा मैं आपको। क्या हुआ? खैरियत तो है रानी? नहीं आरिफ, खैरियत नहीं है। तुम कौन पीड़ा? तुम कौन पीड़ा? अलैकुम वसीम साहब। जी रानी आरिफ बात कर रही हूँ। एक्चुअली पिछले दो दिन से साबिर साहब का नंबर ट्राई कर रही हूँ, लग नहीं रहा, सोचा आपसे इन्फॉर्मेशन ले लूँ। ये क्या कह रहे हैं आप वसीम साहब? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम जैसे कितने लोगों के करोड़ों रुपए लगे हुए इस प्रोजेक्ट पर। आप प्लीज़ ये मामला सॉर्ट आउट कीजिए और मुझे जल्दी बताइए। जी मैं आपकी कॉल का वेट करूँगी। मैडम चाय के मुताबिक क्या ख्याल है आपका? गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो दुआएं दूंगा मैं आपको। क्या हुआ? खैरियत तो है रानी? नहीं आरिफ, खैरियत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अभी वसीम साहब से बात हुई है, वो कह रहे थे साबिर साहब का पिछले एक हफ्ते से किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्या कह रही हो तुम रानिया? इस प्रोजेक्ट से अगले महीने से हमें प्रॉफिट मिलना शुरू होना था, अचानक से साबिर साहब सबसे रابطہ कैसे खत्म कर सकते हैं? वसीम साहब कह रहे थे कि क्या कह रहे थे बताओ? शायद हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया आरिफ। साबिर साहब और उनकी टीम का कोई भी बंदा अवेलेबल नहीं है और उनके ऑफिस में भी ताला लगा हुआ है। वो उनके बैंक स्टेटस पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ओह माय गॉड आरिफ, अगर उनके बैंक अकाउंट्स खाली हुए तो उसका मतलब ये है कि हमारे करोड़ों रुपए बटोर के फरार हो चुके हैं। डोंट टेल मी रानिया, डोंट टेल मी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी कुल जमा पूंजी थी, दांव पे लगा दिए यार, हम तो फुटपाथ पे आ जाएंगे। जल्दी करो वसीम साहब को फोन करो, जल्दी करो, जल्दी करो। एक मिनट। हेलो जी वसीम साहब बोलिए। क्या लेकिन क्या 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 हुआ आरिफ? हम बर्बाद हो गए। आप जल्दी से ठीक हो जाएं आंटी, फिर हम सब मिलके रामेश भाई और सुंबल आप ही की शादी कर देंगे और मैं अपिया के पास शिफ्ट हो जाऊंगी। अपिया के घर क्यों जाओगे भाई? तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। बस तुम कंधे ठीक हो जाएं तो हम तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसकी शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे, है ना बाबा? हाँ। और नेहा की शादी में मैं और रामेश अपनी शादी से भी ज्यादा एंजॉय करेंगे। क्यों रामेश, ठीक कह रही हूँ ना? आपको भी गलत कहती हैं क्या? तमकनत बेगम अब हफ्तों की बजाय दिनों में ठीक हो जाए ताकि हमारे घर में भी खुशियों की बारात उतर आए, ये दर और दीवार चकमगा उठे। मुझे तो लगता है कुदरत फिर से हम पे मेहरबान होने वाली है। तो दुरुस्त कह रहे हो मुजफ्फर, एक तरफ ये बच्चे जो हैं अपनी खुशियाँ मनाएंगे और दूसरी तरफ हम बुढ़े जो हैं अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर लेंगे। निसार बुढ़ा होगा तू, मेरी बेगम ठीक हो जाए मैं फिर से जवान हो जाऊंगा। अंकल ये तो ना इंसाफी कर रहे हैं आप पापा के साथ, अगर ऐसा ही है तो मैं पापा की भी दूसरी शादी करवा दूंगी। देखा निसार, बेटियों के दिल में माँ बाप के लिए कितना प्यार होता है। ये तो है,
और खुदा का शुक्र है कि हमें भी नेहा के रूप में एक बेटी अदा हो गई। हेलो सरवा। हेलो। मैं कल इस्लामाबाद जा रही हूँ, सोचा आज शाम कुछ टाइम साथ स्पेंड कर लेते हैं। अकेली जा रही हो? नहीं, अम्मी साथ जा रही हैं। मैंने वहाँ पर एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया है। अम्मी तब तक साथ रहेंगी जब तक तुम कोई फैसला नहीं कर ले। लेकिन जवेरिया, चलो कहीं बाहर चल के बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। बाप साहब अभी अभी उन्हीं खातून के साथ वो ऑफिस से बाहर निकले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी ज़रबाब, मैं उस दिन खासी रूड हो गई थी। मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। चलो ये तो अच्छी बात है, कम अज़ कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो। मुझे तो हो गया है, लेकिन क्या तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है? ख़ुद को मेरी जगह पर रख कर सोचो, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरा क्या स्टेटस है और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा क्या। फिर शायद तुम्हें मेरी फीलिंग्स और बेबसी का एहसास होगा। देखो जवेरिया, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे एहसास है अपनी मजबूरियों का भी और तुम्हारी फीलिंग्स का भी। देखो जवेरिया, बात अगर सिर्फ इल्मा की होती तो मेरे लिए फैसला करना आसान होता, लेकिन अब मेरा एक बेटा भी है। इन हालात में मैं इतना मुश्किल फैसला इतनी आसानी से नहीं ले सकता। मामा कहती हैं मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है तुम्हारे पीछे। शायद ठीक ही कहती हैं, क्योंकि आज भी पता नहीं किस उम्मीद और आस के पीछे मैं तुम्हारे पीछे पीछे चली आती हूँ। एक गलती की थी मैंने, तुमसे पूछे बगैर तुम्हारा सीवी इस्लामाबाद ऑफिस में पोस्ट कर दिया था। तुम्हारे लिए इंटरव्यू कॉल आई, हो सके तो इंटरव्यू ज़रूर दे देना। मैं इंटरव्यू देने ज़रूर जाऊंगा, और अगर कामयाब हो गया तो तुम्हारी पेशकश पर गौर भी करूँगा। सच? हाँ। शवेरिया, अम्मी मरहूमा ने मुझे और इल्मा को कभी एक दूसरे के करीब होने ही नहीं दिया। हम दोनों के दरमियान हमेशा से एक अजनबियत की दीवार खड़ी रखी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इल्मा को दुख देने के बारे में या उसके साथ कुछ भी बुरा करने के बारे में सोचता हूँ तो दिल नहीं चाहता। शायद उसकी वजह उसकी खिदमात और उसकी कुर्बानियाँ हैं। मैं तुम्हें वक्त दे रही हूँ ज़रबा, मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा वहाँ बेचैनी से इंतज़ार करूँगी। अगर मेरे वजूद की कशिश तुम्हें वहाँ खींच लाई तो मैं समझूँगी मेरी मोहब्बत इल्मा की कुर्बानियों से ज़्यादा सच्ची और मजबूत थी। कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है तुमने किया है। शुरू दिन से तुम एक बदनियत और बदफितरत इंसान हो। तुम्हारी बदनियती और बेमानी मुझे भी खा गई। अरे मैं तो तुझे भी खा जाऊंगा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी हो तो दफा हो जा मेरी नजरों से। तुम कौन पीड़ा, तुम कौन पीड़ा, तुम कौन पीड़ा, तुम कौन पीड़ा। आरिफ, हम फुटपाथ पर आ गए, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से खत्म हुआ है।
तुम जैसी बेवकूफ जाहिल औरत की वजह से हुआ है। खुद तो बर्बाद हो गई, साथ साथ मुझे भी बर्बाद कर दिया तुमने। मेरी कुल जमा पूंजी तबाह कर दी तुमने। खुद तो फकीर बन गई, साथ मुझे भी फकीर बना दिया। अरे तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? मैंने तमाम डिटेल्स तुम्हारे सामने तो रखी थी। मर्द होने के नाते तुम्हारा काम था ना कि इन्वेस्टिगेशन करते। अब आंखें बंद किए बैठे रहे और मुझे ब्लेम कर रहे हो। अच्छा, अब कोई नई चाल चल रही हो? मुझे मजबूर करके, मेरी आंखें बंद करके खुद के पीछे चलाती रही तुम? हाँ, खुद को बिजनेस वूमेन समझती हो? बर्बाद करके रख दिया तुमने मुझे, बर्बाद। अरे तुझसे तो लाख दर्जा अच्छी वो इल्मा है, कहां से कहां पहुंचा दिया उसे अपने शौहर को। हाँ, बहुत पढ़ी लिखी समझती हो? बर्बाद करके रख दिया तुमने मुझे, फकीर बना दिया है। इनफ इज इनफ। बजाय इसके मेरे जख्मों पर मरहम रखो, तुम निश्चरबाजियों में लगे हुए हो। थे क्या तुम? हाँ, दो टके के इंसान जिसने मेरी काबिलियत और अप्रोच से मुतासिर होकर मेरे पांव पकड़ कर मुझसे शादी की। जब मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो तोते की तरह तुमने भी आंखें बदल ली। अरे जा जा, देख ली तेरी काबिलियत, जिस तरह तेरी शक्ल मनुष्य है ना, उसी तरह तेरी किस्मत भी मनुष्य है। मैंने अपनी अम्मी की निशानी ही बेच दी, घर बेच डाला, बर्बाद हो गया, फकीर हो गया हूं मैं। अरे मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है तुमने किया है। शुरू दिन से तुम एक बदनीयत और बदफितरत इंसान हो। तुम्हारी बदनीयत और बेईमानी मुझे भी खा गई। अरे मैं तो तुझे भी खा जाऊंगा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी हो तो दफा हो जा मेरी नजरों से। मैं नहीं, तुम दफा हो गए यहाँ से। ये मेरा घर है, दो टके के फुटपाती है, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। ये घर किसी का भी नहीं है, ये घर बैंक में गिरवी रखा है। और ये घर मेरे नाम से गिरवी रखा है, जिसे मैं खुद छुड़ा लूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं तुम जैसे घटिया इंसान से पीछा छुड़ाऊंगी। गिरगिट जैसे आदमी, दफा हो जाओ यहाँ से। ये तुम किस तरह बात कर रही हो? शोर हूँ मैं तुम्हारा। अरे भाड़ में जाए ऐसा शोर, थूकती भी नहीं है मैं तुम जैसे घटिया और कमीने इंसान पर। मुझ में अभी जिंदगी को फेस करने का हौसला बाकी है, लेकिन तुम जैसे इंसान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपना सामान लो और चलते बने यहाँ से, दफा जाओ। रानी, अब जो होना था वो हो चुका, हम फजूल में क्यों लड़ रहे? जो कुछ बचा कुछ है वो भी हाथ से चला जाएगा। प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ, हम कुछ सोचते हैं इस सूरत हाल से निकलने के लिए। जस्ट शट अप, ओके? जस्ट शट अप। मैं तुम्हारा असल चेहरा कुछ देर पहले देख चुकी हूँ, अब ये मास्क चढ़ाकर ना मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। ना सामान उठाओ और चलते बढ़ो यहाँ से, दफा हो जाओ। रानिया प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता यार, प्लीज मुझे माफ कर दो यार। तुम चाहते हो मैं पड़ोसियों को बुलाऊं या फिर पुलिस को? देखो अगर पुलिस आ गई ना तो तुम पर कत्ल का मुकदमा बनवाऊंगी मैं। तुमने आज तक सिर्फ मेरा एक रुख देखा है आरिफ मियां, अब तुम्हारे और मेरे रास्ते बिल्कुल अलग अलग है। तुमसे सिर्फ कोर्ट में मुलाकात होगी। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। रानिया मेरी बात तो सुनो। रानिया घर तो बहुत अच्छा है। जवेरिया ऐसे करते हैं, अगले महीने तुम्हारे पापा को भी यहीं बुला लेते। नहीं, पापा को भी रहने दे। क्यों रहने दे? मुझे उनसे कोई बैर है क्या? वहाँ पे इस उम्र में तन्हा छोड़ के आ जाएं? जब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं तो कराची में उनका क्या काम, यहीं बुला लेते। मैं कह रही हूँ ना मामा, अभी रहने दे पापा को। कुछ दिनों में जरबाब आ जाएगा यहाँ रहने के लिए तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या जरबाब यहाँ रहेगा हमारे साथ? जी, वो यहाँ रहेगा हमारे साथ। जवेरिया तुम चाहती क्या हो? मुनासिब वक्त आने पर बता दूंगी आपको। एक बात तुम्हें साफ साफ बता दूं, जरबाब धोबी के कुत्ते की तरह है। उसको कुछ नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। जब उसने पहली बीवी की कदर नहीं की तो तुम्हारी खाक करेगा? उसको छोड़ के यहाँ पे आ गया, क्या भरोसा तुम्हें छोड़ दे? जो भी फैसला करना सोच समझ के करना। तुम खुद मुख्तार हो चुकी हो, लेकिन एक मशवरा देती हूँ तुम्हें, जरबाब से बेहतर रिश्ते मिल सकते हैं तुमको। जानती हूँ।
क्या मैंने कभी तुम पर शक किया है? तुमसे कोई इन्वेस्टिगेशन किया? कोई जवाब मांगा? किस बात का जवाब? आरिफ ने जो इल्जाम तुम पर लगाए उनमें कितनी सदाकत है? माजी में तुम दोनों का क्या ताल्लुक था और इन करम नवाजियों की क्या वजह है? सर बाप, क्यों बहुत बुरा लग रहा है ना तुम्हें? मुझ पर और जवेरिया पर तो बड़े आराम से शक कर दिया, क्या मैं तुम पर और रामेश पर शक नहीं कर सकता हूं? आरिफ, तुम यहाँ? भाई से मिलना है मुझे। वो घर पर नहीं है। कब आएंगे? रात तक आ जाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा चक्कर लगा लूंगा। हेलो। तुम्हें खुशखबरी मिल गई सरबाब? हेड ऑफिस से कॉल आ गई ना? हाँ जवेरिया, कॉल तो आ गई। तुम्हें नौकरी मिल गई है, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हूँ? हेलो मिस्टर, ऐसे चांसेस ना बार बार नहीं मिला करते। जल्दी से टिकट कटाओ और मेरे पास आ जाओ, बिकॉज आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर यू। सुनो जवेरिया, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। कॉल वेटिंग पे किसी का फोन आ रहा है। बाय। हेलो। हेलो, रामेश हसन बात कर रहा। जी रामेश हसन साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जरबाब, आपसे एक काम आन पड़ा है छोटा सा। अगर आपको जहमत ना हो तो आप शाम को मेरे ऑफिस आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस काम की नौइयत क्या है? मिलेंगे तो काम की नौइयत का भी पता चल जाएगा, इत्मीनान से बात करेंगे। बताइए, मैं शाम को वेट करूँ फिर आपका? जी। क्या साजिशें कर रही हो तुम मेरे खिलाफ? क्या इख्तियार है उसे कि मेरे बारे में पूछताछ करे? होता कौन है वो तुम्हारा? तुम कौन पीड़ा? तुम कौन पीड़ा? तुम कौन पीड़ा? तुम कौन पीड़ा? प्लीज बैठिए। जी कहिए, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? मुझे लग रहा है आपको मेरा यहाँ बुलाना अच्छा नहीं लगा, थोड़े परेशान लग रहे हैं आप। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। अच्छी बात है, इंसान को जब दिल साफ हो, ज़मीर मुतमईन हो तो उसको ऐसे ही होना चाहिए जैसे आप हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपने मुझे किस बात के लिए बुलाया, लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा ज़ाती और निजी मामला है और इसमें किसी की भी दखल अंदाजी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, खाम वो आप ही क्यों ना हो। मैं पूछ लेता हूँ, आपका ये मामला निजी और जाती कैसे हो गया जबकि इसके साथ कई जिंदगियां जुड़ी हुई? किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहा हूँ? वो इल्मा की और अफनान की। इल्मा मेरी बीवी और अफनान मेरा बेटा, आपको उनके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जरबाब, आपको बात शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वकार चचा मरते वक्त इल्मा की जिम्मेदारी मुझे सौंप के गए थे। इल्मा का, उसके मुस्तकबिल का, उसकी खुशियों का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। आपने खामखा फर्ज कर लिया कि यह आपकी जिम्मेदारी है। वो मेरी बीवी है और मुझे क्या करना है क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इल्मा आपकी जिम्मेदारी है, मैं भी ये जानता हूँ, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जवेरिया कौन है? रामेश साहब, अब आप हद से गुजर रहे हैं। मैं हद से गुजर सकता हूं अगर आपने इल्मा के साथ कुछ भी बुरा किया तो। मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूं जरबाब, अपना किबला दुरुस्त कर लीजिए। तो आप होते कौन है मुझसे सब कुछ कहने वाले? होंगे आपके एहसानात इल्मा और उसके खानदान पर, लेकिन एक बात याद रखिएगा, उसकी कीमत आप मुझसे वसूल नहीं कर सकते।
मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं, इसके लिए मुझे आपकी डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा आप समझ जाएं। क्या साजिशें कर रही हो तुम मेरे खिलाफ? क्या इख्तियार है उसे कि मेरे बारे में पूछ गछ करे? होता कौन है वो तुम्हारा? मैं ये नहीं जानती कि उन्होंने आपसे क्या कहा है, लेकिन इतना यकीन जरूर है कि जो भी कहा होगा गलत नहीं कहा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यानी अब वो हजरत गलत भी नहीं है, गलत मैं हूं, यही कहना चाह रही हो ना तुम? जानती हो इल्मा, तुम्हारी जुबान से फूल ही फूल झड़ते हैं जब तुम उन साहब का जिक्र करती हो। एक ऐसी बीवी जो अपने शौहर के सामने गैर मर्दों की तारीफें करे, उसकी वफा और खुलूस का अच्छी तरह अंदाजा लगाया जा सकता है। भाई भाई, आप मेरी वफा और मेरे खुलूस पर शक कर रहे हैं? ऐसा क्या कहा है मैंने? और मैं कोई रामिश की तारीफें नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको उनके एहसानात याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है मुझे उसके एहसानात याद दिलाने की, उसने मेरे पे कोई एहसानात नहीं किए, तुम पर और तुम्हारे खानदान पर किए हैं, और क्यों किए ये मैं नहीं जानता। ये मत भूलिए कि जिस घर में आप रह रहे हैं वो उसी का दिया हुआ है, जिस छत के नीचे खड़े होकर आप उसके लिए इतनी नफरत बरत रहे हैं वो उसी की दी हुई है, और आज जो आपको इज्जत की नौकरी मिली है ये भी उसी की वजह से है। आज आपके दिल में उसके लिए इतनी नफरत, इतनी बदगुमानी है सिर्फ इसलिए कि उसने इन एहसानात के बदले आपसे आपकी वफा मांगी है। अभी मेरे लिए, आपकी अपनी बीवी के लिए ये जुर्म है उसका? उसका जुर्म ये है कि वो मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, जुबान दराजी सिखा रहा है उसे, और मैं थूकता हूं उसकी दो कौड़ी की नौकरी और इस छत पर। मुझे उससे 100 गुना अच्छी नौकरी मिल गई है। कल इस्लामाबाद जा रहा हूं मैं, वहां पर मुझे चांस मिलेगा कि आगे मैं यूके भी जा सकूं। आप मुझे छोड़कर इस्लामाबाद जा रहे हैं? अभी तो तुम्हें छोड़कर सिर्फ इस्लामाबाद जा रहा हूं मैं, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी गैर मौजूदगी में रामेश हसन इस घर में कदम ना रखे। आज के बाद तुम्हारा उसके साथ हर किस्म का ताल्लुक और रिश्ता खत्म। एक शौहर होने की हैसियत से यह मेरा हुक्म है तुम्हें, समझी तुम? भाई तुम यहां क्या लेने आए हो आरिफ? अब कौन सी चीज बची है जिसका बंटवारा करने आ गए हो तुम? भाई मुझे माफ कर दो भाई, मैं लूट गया हूं, तबाह हो गया हूं, बर्बाद हो गया हूं मैं भाई। अम्मा की बदुआ ने मुझे तबाह कर दिया है भाई। अगर आप भी मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगा भाई, मर जाऊंगा मैं। अगर आप इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो आप शौक से जाइए, मेरे और अफनान की फिक्र मत कीजिएगा, हम रह लेंगे। ये सब रामेश हसन की नसीहतों का फैजान है या उनकी बख्शी हुई इस छत का असर? ज़रबाब भाई, मुझे मेरे गुनाहों का सिला मिल चुका है, मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं बिल्कुल खाली हाथ हो चुका हूं भाई। तुमने दूसरों के लिए छोड़ा ही क्या आरिफ? हर चीज तो तुम्हारी बदनीयती की नजर हो गई। वो मकान जिसे तुम बेच खा चुके हो ना, वो अम्मी मरहूमा की आखिरी निशानी थी, और मैं और सोबिया उसके बराबर के हकदार थे। अपने साथ साथ तुमने मुझे भी बर्बाद कर दिया, मुझे दूसरों के रहम और करम पर छोड़ दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। भाई ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें प्लीज, मैं तो जीते जी ही मर चुका हूं। अब तो सोचता हूं कि किस रिश्ते के लिए जीऊं, अगर आप भी मुझे ठुकरा देंगे तो यह बदनसीब कहां जाएगा भाई। हाय अभी हाय,
कोई है मुझ जैसा बदकिस्मत इस दुनिया में जिसे माँ की बदुआ लग जाए, उस जैसा बदनसीब और बदकिस्मत कोई भी नहीं है भाई, मुझे माफ कर दो। मेरी सारी उम्र तुम लोगों के लिए खाक में मिल गई। कभी बड़ा बेटा बनकर, कभी बड़ा भाई बनकर मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ तो कुछ ना आया। मेरी सारी जवानी एक 70 साल के बूढ़े की तरह गुजर गई आरिफ। दिल से सारी ख्वाहिशात और अरमान खत्म हो गए सिर्फ इसलिए कि मेरे अपने दिल से मेरा नहीं हो सके। तो कभी कभी दिल चाहता है कि यहां से कहीं दूर चला जाऊं। ना मुझे किसी की आवाज सुनाई थी और ना किसी को मेरी। भाई भाभी, भाई इतने तल्ख कब हो गए, कैसे हो गए? इन्हें तो आपसे भी तकलीफें हैं, नाराजगियां हैं। मैं तो आपकी मिसालें दिया करता था रानिया को। भाभी आपसे एक गुजारिश, प्लीज आप भाई से कह दे कि वो मुझे माफ कर दे, आप भी मुझे माफ कर दे। आप दोनों के सिवा है कौन मेरा? आज अम्मी जी जिंदा होती ना, मुझे माफ करके अपने आंचल में समेट लेती। भाई और आपके सिवा मेरा है कौन इस दुनिया में? आप दोनों ही तो मेरे माँ बाप हैं। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं खाना लेकर आती हूँ। मैं तबाह बर्बाद हो गया, सड़क पर आके यहां सुख और चैन का सांस लिया जाए। ये रामेश हसन नाम का चराग क्या खूब हाथ आया इनके। मैंने भी सारे चरा गुल न कर दिए तो आरिफ नाम नहीं मिलता। मुझे आपकी बेजारी और उखड़े हुए रवैये की समझ में नहीं आ रही। तुम समझ भी नहीं सकती, तुमने मुझे समझने की कोशिश ही कब की। मुझे अफसोस है कि मैं आपको मुतमईन नहीं कर सकी, कि मैंने सुना था मर्दों की निगाहों को जब बाहर की तेज रोशनियां चकाचौंध करने लगे, घर के जलते हुए दिए उन्हें कभी मुतमईन नहीं कर सकते। क्या मतलब है, क्या कहना चाहती हो तुम? कुछ नहीं, अगर आप इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो आप शौक से जाइए, मेरे और अफनान की फिक्र मत कीजिएगा, हम रह लेंगे। ये सब रामेश हसन की नसीहतों का फैजान है या उनकी बख्शी हुई इस छत का असर? आज तुम्हारी निगाहों में बगावत भी है और बेनियाजी भी। क्या बात सिर्फ मेरे रवैये की है या आपने अपना रास्ता बदलने का सोच लिया? मैंने कोई रास्ता नहीं बदला। मतलब आज भी आप उसी रास्ते पर गामजन हैं जिस पर पहले थे, तो फिर मैं कहाँ हूँ जरबा? तुम जहां हो इल्मा वहीं रहो तो ठीक है। मैं सब समझ रही हूं, आपकी निगाहें बदल गई,
आपका लहजा बदल रहा है, शायद आने वाला वक्त भी बदलने को तैयार है। मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं जहां हूं आपके कहे के मुताबिक आपको हमेशा वही मिलूंगी। औरत मोहब्बत निभाए या ना निभाए, अपना रिश्ता जरूर निभाती। आप ये बताइए प्लान का? रूम में आप चाहें तो आ जाइए। सरबा आप क्यों अचानक? क्यों, तुम्हें तो उम्मीद भी नहीं थी ना कि मैं यूं अचानक से आ जाऊंगा। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया होगा तुम दोनों का।